Okay, we'll be looking at question number 11. In question number 11, exercise 2.3, the name of the chapter is compound interest. Afzal purchased an old motorbike for rupees 16,000. So he purchased an old motorbike, and over here V naught is equals to 16,000, and V is equals to 14,440. Okay, you guys need to understand this. V naught, depreciation is taking place. बाइक की वैल्यू पहले 16,000 थी, दो साल बाद घट जा रही है ना? तो अगर घट रही है तो हम डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. दिस इज द वैल्यू एन ईयर्स अगो, मतलब दो साल पहले की बात कर रहा है. दो साल पहले जो वैल्यू थी कितनी थी, 16,000 थी, और आज के दिन वो बेचना चाह रहा है, और वो कितने में बेच गिर गए, 14,440 में. Now in this we are going to use a simple formula. You guys know everything in this. V, you guys already know, that is 14,440 is equals to 16,000. 1 minus R upon 100 to the power 2. 2, N is 2, 2 years. So what's going to happen, 14,440 upon 16,000 is equals to 1 minus R upon 100. Okay, 0 and 0 can be cancelled out. Square. So what is left? 1444 upon 1600. Okay, equals to 1 minus R upon 100 to the power 2. Now 2, the square was over here, it's gonna go on the other side, or it will square root ban jayega. जब हम शिफ्ट करते हैं स्क्वायर को एक तरफ तो स्क्वायर रूट बन जाता. सो अगर जब इसका स्क्वायर रूट बनेगा 14,444, किसका स्क्वायर रूट होता है, 38 का स्क्वायर रूट होता है, और 1600 किसका स्क्वायर रूट होता है, 40 का स्क्वायर रूट होता है. ओके, इक्वल्स टू 1 माइनस आर अपॉन 100. ओके, आई एम गोना शिफ्ट लाइक टर्म्स ऑन वन साइड एंड एवरीथिंग ऑन अदर साइड. सो आर अपॉन 100 इधर आ गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, 1 वैसे का वैसे ही, माइनस 38 अपॉन 40. नाउ इफ यू गाइस फाइंड आउट द एलसीएम, यू गोना फाइंड दैट आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 40, इधर आ जाएगा एलसीएम 1 इंटू 40, 40 माइनस 38 इज 2 अपॉन 40. ओके, आर इक्वल्स टू 2 अपॉन 40, और 100 नीचे का ऊपर आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक, 2 20s are एंड 21s are 5s are. तो R इज इक्वल्स टू 5%, रेट इज 5%. सो दैट्स माय आंसर. ओके, वील आल्सो बी लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.3 अगेन. आई एम सॉरी अबाउट दैट. 2.3, महिंद्रा इन्वेस्टेड, महिंद्रा ने इन्वेस्ट किया 25 एंड देर आर 5 जीरोस ओवर देयर, कितने रेट पे, 5% और 10%. दो साल के लिए इन्वेस्ट किया, पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10%. ओके, एंड टाइम कितना है, 2 इयर्स. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू शुड नो अबाउट दिस, अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, अब आ जाओ फॉर्मूले में. आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो आप पहले एक्सरसाइज में कर रहे थे, 2.2 एक्सरसाइज में, अमाउंट इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. पर हम वाला चैप्टर तो कर नहीं रहे, हम ग्रोथ का कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं. तो अगर आप फॉर्मूला देखोगे, वी इक्वल्स टू वी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन. नाउ वी नॉट क्या डिनोट करता है यहाँ पे? ओके, जब ग्रोथ की बात होती है तो जो वी नॉट डिनोट करता है यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू. वैल्यू आपने कितनी इन्वेस्ट करी थी, पहले कितनी वैल्यू थी, दो साल पहले कितनी इन्वेस्ट करी थी वैल्यू. वी और सिंपल वी क्या डिनोट करता है यहाँ पे, वी डिनोट करता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 2000 रुपये इन्वेस्ट करें तो दो साल बाद मुझे कितने मिलेंगे,
ठीक है, ये वैल्यू बात की वैल्यू है, याली वैल्यू, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ देख लीजिए आप, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देख लीजिए। तो मुझे नहीं पता है कि वी क्या है मेरा, ओके, मुझे नहीं पता दो साल बाद कितनी वैल्यू होगी, आई एम गोना फाइंड, पर मुझे इतना पता है कि मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, ओके, मैंने इन्वेस्ट इतना किया था। और जब दो रेट गिवन है, ये आपको भी पता होगा, तो हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओके, आई एम गोना सॉल्व इट, आई एम गोना गेट दिस। तो मेरा वी कितना आया, आप v कितना आया मेरे पास, दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड v, ओके, दिस कैन ऑल्सो बी v, दिस कैन ऑल्सो बी v, ठीक है। तो पहले इन्वेस्ट इतना किया था, ठीक है, कंपनी ने दो साल पहले इतना लगाया था कंपनी में, और दो साल बाद उसको इतना मिल गया, ओके, तो ये है कितनी वैल्यू, लेट्स फिगर दैट आउट, 1000 और ये लैक, 25 लाख इन्वेस्ट किया था महिंद्रा कंपनी, उसके बाद दो साल बाद उसे कितना मिले वापस, 28,87,500 प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आप खुद सोचो, इतना इन्वेस्ट करने के बाद इतना मिला उनको, प्रॉफिट हुआ, राइट। प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, जो पहले की वैल्यू है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो अभी वैल्यू आई आपकी नई वैल्यू, उसको वी नॉट से माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा वो आपका प्रॉफिट है, और आपको यही ढूंढने बोलते हैं कि प्रॉफिट क्या होगा। तो प्रॉफिट क्या है आपका, 387,500, ओके,